करेंगे खरगोन अपडेट की। कर्फ्यू में 12 से 2 बजे तक की छूट आज दी गई है, महिला पुरुष के लिए ये छूट लागू रहेगी। किराना डेयरी सब्जी सैलून समेत कई दुकानें खुली हैं, छूट के दौरान वाहनों पर पाबंदियां रहेंगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल भी 8 बजे से लेकर 12 बजे तक की छूट दी गई थी और आज 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की छूट दी गई है, यानी कि इन 2 घंटे में अपना काम निपटा सकते हैं लोग। आपको बता रहे हैं कर्फ्यू के बीच में 2 घंटे की छूट आज के लिए 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का वक्त है, तो कर्फ्यू में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की छूट रहेगी। जरूरी कामों को आप निपटा सकते हैं। कल भी 8 से लेकर 12 बजे तक की, यानी कि 4 घंटे की छूट दी गई थी और आज भी 2 घंटे की छूट मिली है। पाबंदियों को 2 घंटे के लिए कम किया गया है ताकि जो जरूरत के काम है बाजार में जाकर लोग उन कामों को कर सकें। वाहनों पर पाबंदी जरूर रहेगी, ये कल भी था 4 घंटे की छूट के दौरान, और आज भी जब 12 से 2 की छूट मिल रही है यानी कि 2 घंटे के लिए पाबंदियों को हल्का किया जा रहा है, तब वाहनों पर रोक बरकरार रहेगी, लेकिन आप बाजार में जा सकते हैं। किराना डेयरी सब्जी समेत जो जरूरी सामान की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, वहां से अपना आप सामान परचेज कर सकते हैं। जरूरी काम के लिए ये 2 घंटे की छूट दी जा रही है। और साथ संवाददाता नरेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर खरगोन से अधिक जानकारी के साथ। नरेंद्र बताइए, पाबंदियों में कितनी कमी की गई है इन 2 घंटे के लिए? जी पराग, मैं बता दूं कि जो सुपर ढील मिलने वाली थी 8 से 12 तक, उसको निरस्त करते हुए प्रशासन के द्वारा अभी ढील की अधिकृत घोषणा नहीं की गई है कि 12 बजे से 2 बजे तक ढील दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। अधिकृत रूप से अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ढील प्रशासन के द्वारा कब दी जाएगी। नरेंद्र, लेकिन आप ये बताइए कि कल जैसे 4 घंटे की छूट मिली थी 8 से 12, आज 12 से 2 घंटे की छूट मिल रही है, तो क्या रोजाना ये सिलसिला चलेगा लोगों की जो जरूरी काम है उनको निपटाने के लिए? जिस तरीके से शहर सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा था, उस हिसाब से ढील का संख्या मतलब समय बढ़ाया जा रहा था, बार बार समय बढ़ाया जा रहा था। आज समय जो बढ़ाया गया था उसमें कहीं ना कहीं कटौती करते हुए आज 12 से 2 बजे तक ढील दी जाने की बात कही जा रही, परंतु अभी तक इसकी अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। तो क्या कोई लिस्ट तैयार की गई है दुकानों को खोलने के लिए, या फिर सारे बाजार खुलेंगे इन 2 घंटों के दरमियान? जी, इसमें सारे बाजार तो नहीं खुलेंगे, पर जो आवश्यक वस्तु की दुकानें जैसे किराना सामान है, डेयरी है, सब्जी की दुकानें हैं, साथ ही हार्डवेयर है, बर्तन दुकानें हैं और सैलून की दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है। इस बीच चूंकि सुरक्षा कड़ी है, 144 लगी हुई है धारा, तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम आप देख रहे हैं बाजारों में? क्योंकि लोग जब निकलेंगे तो जाहिर तौर पर 2 घंटे में ही सबको अपने कामों को निपटाना है, तो भीड़ भाड़ भी काफी ज्यादा रहेगी, सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्थाएं हैं? पुलिस की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, साथ ही जो 2-व्हीलर और 4-व्हीलर के वाहन है कर्फ्यू ढील के दौरान, इनको अनुमति नहीं दी गई जिससे बाजारों में भीड़ बढ़ सके, इसको देखते हुए पुलिस द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। दुकानदारों के लिए भी कोई गाइडलाइन है क्या नरेंद्र? आप ये भी बताइए, प्रशासन ने कोई गाइडलाइन जारी की है, कोई पास भी इशू किए जा रहे हैं, या फिर जो जरूरी सामान के दुकान हैं वो जो दुकान मालिक हैं, स्वामी हैं, वो खोल सकते हैं अपनी दुकानों को? इसके अलावा और कोई गाइडलाइन? जिन दुकानों को चिन्हित किया गया है जैसे किराना की दुकानें हैं या सैलून की दुकानें, वही लोग मार्केट में आके अपनी दुकानें खोल पाएंगे, अन्य दुकानदारों को इसमें कोई परमिशन नहीं दी गई। चलिए, शुक्रिया आपका नरेंद्र जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो संवाददाता नरेंद्र को आप सुन रहे थे। किराना डेयरी सब्जी जो जरूरी सामान की दुकानें हैं सिर्फ वही खुल पाएंगी, और आज का जो छूट का समय है वो 2 घंटे का है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ढील दी गई है कर्फ्यू में लोगों के जरूरी कामों को निपटाने के लिए, जिनमें किराने का सामान आप खरीद सकते हैं, डेयरी पर जाकर आप खरीद सकते हैं डेयरी के प्रोडक्ट, इसके साथ ही सब्जियां चूंकि रोजाना की वस्तु है इसलिए सब्जियां खरीदी जा सकती हैं 2 घंटे के दौरान, सब्जी विक्रेता अपनी दुकानों को खोल सकते हैं।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।